उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अमेठी में एक जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान सीएम ने हिंदू और हिंदुत्व को लेकर राहुल गांधी पर तंज कसते हुए कहा कि जिनके खानदान और पूर्वज खुद को कहते थे कि हम एक्सीडेंटल हिंदू हैं, वो लोग खुद को हिंदू बोल भी नहीं सकते। पंजाब विधानसभा चुनाव में वोटरों को लुभाने के लिए सभी राजनीतिक पार्टियां एक पर एक दावा कर रही हैं। इसी कड़ी में कांग्रेस ने राज्य में बड़ा ऐलान किया है। पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू ने कहा है कि महिलाओं को हर महीने 2000, 12वीं पास कक्षा करने वाली हर छात्रा को 20,000 रुपए दिए जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट से पश्चिम बंगाल की ममता सरकार का तगड़ा झटका लगा है। कोर्ट ने कलकत्ता हाई कोर्ट की ओर से बंगाल में बीजेपी के नेता और विधानसभा में विपक्ष के नेता शुभेंदु अधिकारी को गिरफ्तारी से मिली राहत बरकरार रखने का निर्देश दिया है। जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। सुरक्षा बलों ने आतंकी संगठन लश्कर ए तैयबा के सरगना को मुठभेड़ में मार गिराया है। तो वहीं इस पर कश्मीर पुलिस के आईजी विजय कुमार ने बताया कि आतंकी की पहचान सलीम पर्रे के तौर पर हुई है। वह पाकिस्तान का रहने वाला है। उत्तर प्रदेश के कन्नौज में इत्र कारोबारी और सपा के एमएलसी पुष्पराज जैन उर्फ पम्मी को टैक्स चोरी के मामले में आयकर विभाग ने सोमवार को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है। पुष्पराज जैन के कन्नौज स्थित आवास और अन्य ठिकानों पर पिछले 4 दिनों से छापेमारी चल रही है। राजधानी दिल्ली में पिछले 24 घंटे के भीतर कोरोना वायरस के 4,099 नए मामले सामने आए हैं। इसके साथ ही राज्य में अब पॉजिटिविटी रेट 6.46% पहुंच गया है। संक्रमण दर बनने के बाद दिल्ली में लॉकडाउन लगने की संभावनाएं जोर पकड़ने लगी हैं। बिहार में कोरोना ने एक बार फिर से कोहराम मचा दिया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की जनता दरबार में 14 लोगों के पॉजिटिव पाए जाने के बाद अब बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी और उनके परिवार समेत 18 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। मुंबई में ओमिक्रॉन के बढ़ते खतरे को देखते हुए बीएमसी ने बड़ा फैसला लिया है। बीएमसी ने 1 से लेकर 9 तक के स्कूलों को 31 जनवरी तक बंद करने का फैसला लिया है। बॉलीवुड के कई सेलेब्स कोरोना की चपेट में आ चुके हैं। जॉन अब्राहम और उनकी पत्नी प्रिया रुंचाल के बाद अब एकता कपूर कोरोना पॉजिटिव पाई गई हैं। दिल्ली एनसीआर से लेकर यूपी तक कोरोना का कहर तेजी से बढ़ रहा है। केंद्रीय मंत्री महेंद्र नाथ पांडे भी कोरोना संक्रमित हो गए हैं, जिसके बाद उन्हें गाजियाबाद में कौशाम्बी के अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वीडियो डेस्क अमर उजाला .com। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।